हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है। तो आपका m का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और क्या दिया है? मूल बराबर हैं। ठीक है, जब भी मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो विव्युतकर का मान 0 के बराबर होता है। ध्यान रखिए, क्या चीज़? मूल बराबर, जब भी बोले क्या चीज़? मूल बराबर, ध्यान रखना, जब भी मूल बराबर बोलता है तो d बराबर होता है 0। d मतलब विव्युतकर का मान 0 होता है। ठीक है, तो विव्युतकर क्या होता था? b² - 4ac, ये विव्युतकर होता है। ठीक है, वो 0 के बराबर होगा क्योंकि मूल बराबर है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ABCD निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए A, ये B और ये C, तो ध्यान से देखिए A का मान क्या होगा? ये वाला A होता है, ये यहाँ पर B होता है, यहाँ पर ये C होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण में ये A होता है, ये B होता है, ये C, तो A की जगह पर 3 है, B की जगह पर -12, C की जगह पर m, तो A का मान कितना है? 3 है। B का मान देखिए -12, तो पुट अप कर दीजिए, और C का मान क्या है यहाँ पर देखिए? m। ठीक है, यहाँ से ABC निकल आए। अब यहाँ पर सिंपल बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो B का मान कितना है? -12, तो -12 उसका क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, -4 × a, a का मान कितना है? 3 रख दीजिए, गुड़े c का मान कितना है? m है, तो c का मान m है, तो यहाँ पर m रख दीजिए, बराबर 0 है ना। अब 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 कितना होता है? 144 होता है, कितना होता है? 144, 12 × 12। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और ये 4 × 3 = 12 और ये m बराबर 0। ठीक है, ये देखो 144, 12m इधर माइनस का है, उधर हो जाएगा प्लस का 12m हो जाएगा, और ये देखो 12 गुड़े में है, आ जाएगा इसके बटे में, आ जाएगा ना। हाँ, उसके बाद 12 × 12 = 144 होता है। ठीक है, 12 × 144, यहाँ पर 12 बराबर आ जाएगा m, तो m का मान कितना आ गया है? 12 आ गया है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सरल तरीके से है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² + 5x - q, ये क्यों है, बराबर 0 के मूल बराबर है, तो क्यों का मान क्या होगा? अभी क्या करना, सिंपल यही तरीका, ब्लू सेम, d = 0, b² - 4ac। ठीक है, उसके बाद ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, मान रख देंगे, यहाँ से क्यों का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं इसको चेक कर सकूँ कि आपने इसको सीखा है कि नहीं सीखा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।